हाय एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है दोस्तों। जैसे कि पूरी जो कि चर्चा में अभी चल रहा है कि 2G और 3G सिम कार्ड को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि 2G और 3G सर्विस अब हमें नहीं मिलने वाला है। अब हमें सर्विस जो मिलेगा 4G और 5G मिलने वाला है, जिसके बारे में मैंने आपको एक पहले भी जो कि अपडेट दिया था, जिस अपडेट में मैंने ये भी बताया था कि जियो का पूरा सपोर्ट कर रहा है जो कि VI, और VI भी बोल रहा है कि जो कि 2G और 3G को बंद कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर फिर से जो कि एक नया अपडेट आ गया, जिस अपडेट में अब यहाँ पर VI सीधे जियो पे भड़क रहा है और बोल रहा है कि हाँ अब जो कि यहाँ पे ये गलत ही हो रहा है, यहाँ पे 2G और 3G को बंद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि 2G और 3G कम कीमत में जो भी प्लान आते हैं और जो भी यूज करते हैं उनको यहाँ पे जो कि ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर सिर्फ कॉलिंग के लिए अगर वो अपने सिम कार्ड को यूज करते हैं 2G 3G को, तो वहाँ पर अगर उनको 4G में जाना हो तो 4G के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा, और 4G में जो डाटा मिलेगा वो डाटा भी बेकार जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से अपडेट निकल के आ रहे हैं, जिस अपडेट के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। तो हेडलाइन की बात करें तो जियो पर भड़का VI, यानी वोडाफोन आइडिया, कहा गरीबों को बर्बाद करने का है प्लान। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूँ कि 2G और 3G को बंद करने की जो योजना है या जियो ही चालू किया है। जैसे कि आपको भी पता है, जियो जब आया अपने 4G के नेटवर्क के साथ ही आया, क्योंकि जियो ने अभी 2G और 3G के कोई भी ऐसे जो कि वो प्लान ही लेकर के नहीं आया, ना ही 2G और 3G के बारे में जियो को पता है। जियो 4G से ही और 5G में, और जो कि यहाँ पे अब 6G लाने की फिराक में है। तो यहाँ पे बात करें तो रिलायंस जियो की तरफ से 2G और 3G सर्विस को बंद करने का प्लान पेश किया गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जिस पर वोडाफोन आइडिया बुरी तरह से भड़क गया है। कंपनी का कहना है कि अगर सरकार ऐसे करती है तो उसे गरीबों को सस्ती दर पर इंटरनेट और स्मार्टफोन खरीदने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं तो वोडाफोन आइडिया यानी VI ने मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो के उस प्लान का विरोध किया है, जिसमें जियो की तरफ से देश में 2G और 3G सर्विस को बंद करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। वोडाफोन आइडिया इस मामले में कहना है कि इस तरह से ज़बरदस्ती 2G और 3G सर्विस को बंद करने का फैसला सही नहीं होगा, इससे कम आमदनी और गरीब तबकों के लोगों को मुसीबत पैदा होगी। इससे गरीब तबका जरूरी जो कि बेसिक टेलीकॉम सर्विस से दूर हो जाएगा, इससे देश में डिजिटल तौर पर बंटवारे की लकीर खींचेगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है जियो का प्लान, आखिर में जियो का क्या प्लान है, क्यों आखिर में 2G 3G को बंद करना चाहता है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो दरअसल रिलायंस जियो ने ट्राई को एक प्रस्ताव दिया है कि सरकार को एक ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जिसमें 2G और 3G नेटवर्क को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए और सभी यूजर्स को 4G और 5G में शिफ्ट कर देना चाहिए। जिसके पास 2G और 3G सर्विस है वो आखिर में क्या करेंगे, इसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। तो वोडाफोन आइडिया का कहना है कि 2G और 3G टेक्नोलॉजी की मदद से एक बड़े तबके को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि देश में करीब 200 मिलियन से ज़्यादा 2G यूजर्स हैं। बता दें कि देश में एयरटेल और वोडाफोन आइडिया 2G सर्विस ऑफर करती है, जबकि जियो अपनी शुरुआत ही 4G सर्विस से ऑफर कर रही है। बता दें कि वोडाफोन आइडिया के पास करीब 215 मिलियन मोबाइल यूजर्स हैं, जिनमें से करीब 96 मिलियन 2G यूजर्स शामिल हैं, जबकि एयरटेल के पास 345.5 मिलियन यूजर्स में से करीब जो कि 100 मिलियन 2G यूजर्स हैं। तो कुछ इस प्रकार से आंकड़ा भी जो कि यहाँ पे बताया गया है। गरीबों को स्मार्टफोन खरीदने को दी जाएगी सब्सिडी, यहाँ पे अब कैसे जो कि गरीबों को यहाँ पे स्मार्टफोन खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी, किस तरह से, इसके भी बारे में बात करें तो वोडाफोन आइडिया का कहना है कि अगर सरकार देश भर में 2G सर्विस को बंद करने का फरमान जारी करती है और उसकी जगह पर कोई नई सर्विस ऑफर करती है, तो सरकार की ओर से गरीब तब को सब्सिडी ऑफर की जानी चाहिए। यानी कि इसका भी कहना सही है कि अगर 2G 3G को बंद करना करती है सरकार भी, तो यहाँ पे जो भी 4G और 5G को यूज करना चाहे तो उनके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। तो स्मार्टफोन अगर वो यूज करना चाहते हैं तो उनके लिए स्मार्टफोन भी मुहैया कराया जाए, और जो कि सब्सिडी के साथ, यानी कि जो भी स्मार्टफोन की कीमत रहेगी उसमें उन लोगों को सब्सिडी मिले। ठीक है, ये भी यानी वोडाफोन आइडिया का राय सही है। आगे की तरफ चलते हैं तो उनकी जगह पर कोई नई सर्विस ऑफर करती है तो सरकार को और तबकों को सब्सिडी ऑफर करनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। और कहने का मतलब है कि अगर 2G सर्विस को ज़बरदस्ती 4G या 5G में शिफ्ट किया जाता है तो ऐसे यूजर्स को सब्सिडी ऑफर की जाए। वहीं वोडाफोन आइडिया ने मांग की है कि ऐसे हालात में गरीब लोगों का फीचर फोन स्मार्टफोन में शिफ्ट होने में के लिए सब्सिडी दी जाए।
कुछ इस प्रकार से अपडेट आ रहे थे। आखिर में देखना है कि सही में 2G 3G को बंद कर दिया जाता है या नहीं किया जाता है। क्या आपको लगता है कि 2G और 3G को ये लोग बंद कर पाएंगे, जियो मिल करके, सरकार मिल करके बंद कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी? आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या 2G और 3G बंद करना सही है या नहीं है, आप भी अपना सुझाव वीडियो के नीचे कमेंट में दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।